नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। तीसरी लिस्ट में 40 उम्मीदवारों के नाम, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल 81 सीटों पर घोषित हो चुके हैं उम्मीदवार। कांग्रेस की 9 सीटों पर फैसला भी बाकी। रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को कैथल से टिकट, पंचकुला से चंद्रमोहन को टिकट। हिसार की अगर बात की जाए तो हिसार से रामनिवास रारा लड़ेंगे चुनाव और भवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल लड़ेंगे चुनाव। अंबाला सीट की अगर बात की जाए तो अंबाला शहर से निर्मल सिंह को टिकट मिला है और इलाहाबाद से भरत सिंह बेनीवाल को टिकट दिया गया है। आदमपुर से चंद्र प्रकाश को बनाया गया उम्मीदवार। हासी से राहुल मक्कड़ को उम्मीदवार बनाया गया है और ऐसे में बरवाला सीट की अगर बात की जाए तो रामनिवास घोड़ेला चुनाव लड़ेंगे। हिसार से रामनिवास रांडा चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में नलवा से अनिल मान चुनाव लड़ेंगे और लोहारू से राजबीर चुनाव लड़ेंगे। और इंद्र की अगर बात की जाए तो राकेश कुमार काम्बोज चुनाव लड़ेंगे। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, लगातार मंथन चिंतन मंथन के बाद उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अभी बाकी बची 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और कांग्रेस ने भी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में क्या लगता है, कितना दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार देर रात 2 लिस्टों में 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और इसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा नजर आ रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने 45 में से 38 सीटें उनके करीबियों को दी हैं और उन 2019 के मुकाबले में इन 34 सीटों पर चेहरे बदले गए, उनमें भी 37 हुड्डा कहने चाहिए हैं ये बताया जा रहा है। तो लिस्ट को लेकर निश्चित तौर पर चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जो समीकरण है और टिकट बंटवारा हुआ है उसमें यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई उम्मीदवार यहाँ पर सामने आए हैं। बड़कर से 2009 में MLA रहे महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप को टिकट मिला है। जी ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, आपको रोकना चाहूंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें कि 5 कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है। कांग्रेस ने 5 और सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है और अब तक 86 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। कांग्रेस ने 5 और सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक 86 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है कांग्रेस। जी प्रदीप जी, 5 और कैंडिडेट मैदान में उतार चुकी है कांग्रेस, क्या लगता है? मैंने जानकारी दे ही रहा था कि 40 और 5 कुल मिलाकर 45 जो उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, इसी के साथ 86 उम्मीदवार जो है कुल घोषित हो गए हैं कांग्रेस के। और यहाँ पर काफी समीकरण है अगर देखें इसमें तो यहाँ पर विधानसभा सीट केसल से जो टिकट मिला है, सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा मुलाना विधानसभा जो सीट है वहाँ वरुण मुलाना विधायक थे लेकिन वो सांसद बन गए, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है पूजा चौधरी को। इसके अलावा जो सीट है कलायत, वहाँ पर जो सांसद जयप्रकाश जेपी है उनके बेटे विकास सहारन को टिकट मिल गया है। इसके अलावा बड़खल से पूर्व सांसद रहे हैं महेंद्र प्रताप सिंह, उनके बेटे विजय प्रताप को टिकट मिला है। वो चुनाव लड़े थे महेंद्र प्रताप पिछली बार भी लेकिन वो चुनाव हार गए। दूसरी तरफ विधानसभा से जो है पंचकुला, वहाँ पर पूर्व सीएम रहे भजन लाल के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई जो कांग्रेस में है उनको पंचकुला से टिकट मिला है। बाटा से पूर्व सीएम बंसीलाल के जो बेटे हैं उनको, सोमवीर सयोरान को दामाद है उनके, वो उनको टिकट मिला है। सोमवीर सयोरान उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा जिंद से जो पूर्व मंत्री रहे हैं मांगेराम गुप्ता, उनके बेटे महावीर गुप्ता को टिकट मिला है। तो जातीय समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस ने पूरी यहां पर कोशिश की है इन सीटों के जरिए। इसमें 45 उम्मीदवारों में
सबसे ज्यादा 13 चेहरे जो है वो जाट बिरादरी के हैं। लोकसभा चुनाव में जाट वोटों ने एक तरफा वोटिंग करते हुए कांग्रेस को सोनीपत, हिसार, रोहतक सीट जिताई थी। नलवा, अम्बाला, कैंट, तलायत, केसल, राई, फतेहाबाद और एमनाबाद जैसी जाट डोमिनेट सीटों पर उसने जाट नेताओं को टिकट दी है प्रमुख तौर पर। दूसरा, ओबीसी वर्ग को जोड़ने के प्रयास के तहत 10 टिकट ओबीसी वर्ग को दिए गए हैं। अकेले हिसार जिले में ही ओबीसी वर्ग को 3 सीटें दी गई है। इसमें आदमपुर से पूर्व आई एस अधिकारी चंद्र प्रसाद को टिकट मिला है। इसके अलावा हिसार से रामनिवास राणा और बरनाला से रामनिवास भुरेड़ा वो शामिल हैं। तो बीजेपी ने अभी तक नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी कार्ड चलाया, इसी की तोड़ निकालने की कोशिश कांग्रेस की लिस्ट में नजर आई है। इसके अलावा 7 ऐसी चेहरे हैं कांग्रेस की इस लिस्ट में, 34 में कुल 7 ऐसी नेताओं को टिकट दिया गया है। राज्य की 10 में से 2 रिजर्व सीटें अम्बाला और सिरसा जीती थी। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी में जुड़े 80 वोट बैंक को हाईकमान मजबूत करना चाहता है और इसने इनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा पंजाबियों को लुभाने के लिए 4 टिकट दी गई है। इसके अलावा 2 ब्राह्मण 2 मुस्लिम चेहरे भी उतारे गए हैं। वैसे राजपूत और जट सिंह को भी टिकट मिला है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने इस लिस्ट में ये समीकरण साधने की कोशिश की है और क्षेत्रीय समीकरण को भी साधा गया है। बीजेपी गढ़ में 13 चेहरे बदले गए हैं। इसके अलावा बागड़ बैंड जहां 2019 में हारी वहां पर कैंडिडेट बदले गए हैं। भिवानी से हिसार सिरसा तक की बागड़ बैंड से लोकसभा की तरह विधानसभा में दबदबा रखने के लिए 9 नए चेहरे उतारे गए हैं। उसमें बाटा है, दादरी है, नलवा है, लोहारू है, बवारी खेड़ा है, सिरसा है, इलाहाबाद है, आजमपुर और आसिक सीट पर चेहरे बदले गए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है ये समीकरण और इसलिए दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल बेल्ट में भी 7 टिकट रिपीट किए गए हैं, 5 चेहरे बदले गए हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने इस जीत के जरिए बड़ा राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश की है।